हेलो बच्चों, आज का हमारा ये क्वेश्चन है। जेई के अंदर 6 अप्रैल 2023 को और एनडीए के अंदर 2016 में आया है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज का आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने जा रहे हैं। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। इस सीरीज के चलते हम सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर और थ्योरी ऑफ इक्वेशन के चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सभी पर 20 से 25 क्वेश्चन हमने इस टाइप के हॉट क्वेश्चन किए हैं। तो केवल अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। साथ ही हम थ्योरी भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, अगर आपकी थ्योरी वीक पॉइंट है तो वो भी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है, लेट ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन बी एन पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये आपको एपी में गिवन है और कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव टर्म्स हैं, ठीक है। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी जो है आपका वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है। इज इट्स कॉमन डिफरेंस, जो कि इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो आपको इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए लिमिट आपने चैप्टर अभी पढ़ा नहीं होगा, 11th क्लास का 13 चैप्टर है हमारा, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लिमिट की यहाँ पर थोड़ी बेसिक सी बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर लिमिट जो लगाई हुई है वो एन पर लगी हुई है, मतलब एन आपका वेरिएबल है एक तो। दूसरा, एन पर जो लिमिट लगी है वो नॉट डिफाइन लगी है, इनफाइनाइट लगी है। जब भी लिमिट इनफाइनाइट लगे तो आपको क्या करना है, वन अपॉन, जैसे n पर लगी है तो 1/n की फॉर्म में लिखना है। कैसे भाई, अगर हम 1/n की फॉर्म में लिखेंगे, आपको पता है 1/ नॉट डिफाइन जो होता है ना वो जीरो होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो अगर अपॉन में नॉट डिफाइन है, इनफाइनाइट है, तो इसका रिजल्ट जीरो के इक्वलेंट होगा, ठीक है। तो जब भी लिमिट इनफाइनाइट लगी हो, जैसे n पर लगी है, तो आप सभी पूरे फंक्शन को 1/n की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो रिजल्ट आपका मैक्सिमम क्या बन जाए, मैक्सिमम टर्म्स आपकी क्या बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। दूसरा, हमें इस पर एक चीज और भी ध्यान देनी है कि यहां पर डी को बोला गया है, बट डी जो है वो डिफरेंस है। तो देखिए डी क्या होता है, टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। जैसे डी आपका यहां पर ए टू माइनस ए वन होगा, डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए टू माइनस ए वन, या फिर डी आपका क्या होगा, ए थ्री माइनस ए टू। ऐसे प्रीवियस टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। मतलब ये फॉर्म हमें बनाने की कोशिश करनी है इसके अंदर, ताकि हम उसको डी लिख सकें। सबसे पहला काम हमारा यही है। देखिए एक चीज़ और भी है, जब भी अपॉन में आपको रूट नजर आए ना, तो हम रैशनलाइज और करते हैं। तो इस फॉर्म को बनाना है और साथ के साथ रैशनलाइज भी करना है। तो इस फॉर्म को बनाना है तो भाई ए टू पहले होना चाहिए, ए वन बाद में होना चाहिए, मतलब प्लस में है, इनको हम आगे पीछे लिख दें। पहले मैं रूट ए टू को लिख दूं और बाद में रूट ए वन को लिख दूं, तो ये वाली फॉर्म हमारी बन सकती है अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो। तो सबसे पहला काम यही है, हम इनको थोड़ा इस फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर है भाई स्क्वेयर रूट डी अपॉन में एन, और ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ। देखिए एडिशन के अंदर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो रूट ए टू प्लस आप रूट ए वन भी लिखते हैं तो बिल्कुल एक ही बात होगी, ये रूट ए वन प्लस ए टू या रूट ए टू प्लस ए वन एक ही बात है, ठीक है। 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें ए टू माइनस ए वन या ए थ्री माइनस ए टू बनाना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस करना है। तो मैं इसको जब रैशनलाइज करूंगा तो यहाँ पर ए टू माइनस ए वन आ जाएगा। चलिए साथ साथ रैशनलाइज भी कर देते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो डेनोमिनेटर का साइन चेंज करके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने डेनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म के अंदर करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास 1/√2 + √3। तो पहले तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, √3 + √2, ठीक है, रूट ए टू, और इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू अपॉन रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू, ठीक है। फिर डॉट डॉट है, सबसे लास्ट वाली टर्म पे चलते हैं, तो उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, 1/ में क्या लिख देते हैं, रूट ए एन प्लस रूट ऑफ ए एन माइनस वन, और इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं, तो रूट ए एन माइनस रूट ऑफ ए एन माइनस वन अपॉन रूट ऑफ ए एन माइनस रूट ऑफ ए एन माइनस वन, ये हो जाएगा भाई हमारे पास। तो हमने सभी को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया है, ताकि डेनोमिनेटर से स्क्वेयर रूट रिमूव हो जाए। अब यहाँ पर देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका स्क्वेयर रूट डी अपॉन में एन, और यहाँ पर इसको मैं वन से मल्टीप्लाई करूँगा, तो न्यूमिनेटर में मेरे पास मिलेगा ए टू माइनस ए वन, रूट ए टू माइनस ए वन अपॉन, अपॉन में लग रही है आइडेंटिटी
ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो रूट ए टू का स्क्वेयर करूंगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल होके ए टू माइनस ए वन आ जाएगा यहाँ पर। सेम ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे, इसको मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो एज इट इज आएगा रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू, और अपोन में लगेगी आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसको मैं ए थ्री माइनस ए टू लिख सकता हूँ, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सेम ऐसा ही हम लास्ट वाले में करेंगे, तो इसको मैं वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एज इट इज आएगा रूट ए एन माइनस रूट ऑफ ए एन माइनस वन, और अपोन में आपके पास आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यहां पर होगा आपका ए एन माइनस वन। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये सभी जो डेनोमिनेटर में आपको दिख रहे हैं ये आपका क्या बन गया है, डी बन गया है, कॉमन डिफरेंस बन गया है, क्योंकि डी क्या होता है ए टू माइनस ए वन कह लीजिए या ए थ्री माइनस ए टू कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए ए एन माइनस सेकेंड लास्ट टर्म यानी कि ए एन माइनस वन। ठीक है, तो ये सभी आपके पास क्या बन गए हैं, डी, तो इनको हम डी लिख सकते हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट स्क्वेयर रूट डी अपॉन एन, और इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ स्क्वेयर रूट ए टू माइनस स्क्वेयर रूट ए वन अपॉन डी। सेम ऐसे इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वेयर रूट ए थ्री माइनस स्क्वेयर रूट ए टू अपॉन डी। नेक्स्ट सबसे लास्ट वाली क्या बन जाएगी हमारी, स्क्वेयर रूट ए एन माइनस स्क्वेयर रूट ए एन माइनस वन अपॉन डी। तो सभी का डेनोमिनेटर जो है वो लाइक हो गया है, अब हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं इजिली, तो एलसीएम क्या होगा हमारा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट डी अपॉन में एन, और यहाँ से जो एलसीएम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी एलसीएम हो जाएगा भाई, तो डी एलसीएम हो गया, तो यहाँ से मिलेगा आपको रूट ए टू माइनस रूट ए वन प्लस रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू अप टू डॉट डॉट रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस वन। ठीक है, अब ध्यान से अगर हम देखें, देखिए रूट ए टू से रूट ए टू कैंसिल हो जाएगा, ऐसे जब डॉट डॉट लगाए इसमें नेक्स्ट टर्म जो होगी वो माइनस का रूट ए थ्री आएगी, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ये कैंसिल होती चली जाएगी, और इससे पहले वाली में जस्ट ये रूट ए एन माइनस वन प्लस का आएगा। कहने का मतलब जो टर्म्स है वो आपकी इक्वल एंड अपोजिट साइन की है, तो ये कैंसिल होती चली जाएगी, तो केवल क्या बचेगा, एक तो फर्स्ट टर्म बचेगी और एक लास्ट बचेगी बस। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइनल हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा भाई, यहाँ से बचेगा हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और स्क्वेयर रूट डी अपॉन एन, यहाँ से बचेगी प्लस की तो रूट ए एन आपके पास, प्लस का रूट ए एन, और माइनस का बचेगा रूट ए वन, और अपोन में आपके पास क्या बच गया है, डी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम ए एन का जो रिजल्ट है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए एन क्या होता है हमारा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और स्क्वेयर रूट डी अपॉन एन, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया है, और ए एन जो होता है वो आपका होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टेंथ क्लास का रिजल्ट है, स्क्वेयर रूट ए वन अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, डी। अब देखिए हमारा टारगेट था हमें वन अपोन एन की फॉर्म में या कोई भी नंबर की अपोन में एन लेके आना है, नंबर हो या कोई लेटर हो अपोन में एन होना चाहिए, तो इसका मतलब इसको हमें अंदर लेके जाना पड़ेगा, और उससे भी पहले देखिए डी की पावर यहाँ पर वन है तो इसकी हाफ पावर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो चलिए इसको चेंज करते हैं एन की फॉर्म में, अपोन में एन लेके आते हैं, तो भाई यहाँ से हमारे पास फाइनल जो बचा है वो क्या बचेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और देखिए डी की हाफ पावर थी जो इसमें से कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर वन अपॉन रूट एन बचा है आपके पास, वन अपॉन रूट एन, और अंदर जो बचा है हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है स्क्वेयर रूट ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस स्क्वेयर रूट ए वन अपॉन में क्या बचा हुआ है आपके पास, रूट डी बचा हुआ है भाई, क्योंकि यहाँ पर डी की पावर वन थी, हाफ इसके साथ कैंसिल हो गई, हाफ बची, हाफ का मतलब रूट होता है, अब हमें तो एन अपोन में लेके जाना है, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, वैसे भी लिमिट जो है वो एन पर लगी हुई है, तो ये तो एक तरीके से कॉन्स्टेंट हुआ, इसको तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलो हम बाहर ले आते हैं और एन को अंदर लेके जाते हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपोन रूट डी को मैंने बाहर लिख दिया है और एन को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस स्क्वेयर रूट ए वन अपोन स्क्वेयर रूट एन। अब एन को मैं सेपरेट डिवाइड करके लिख देता हूँ ताकि वन अपोन में एन की फॉर्म में लिखा जाए और लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर सकें, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपोन स्क्वेयर रूट डी, और यहाँ पर इसको इसके अपोन में लिखेंगे
तो यहाँ पर देखिए दोनों पर स्क्वेयर रूट है, तो मैं इसको कंबाइंड स्क्वेयर रूट लगा करके और सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ, तो ए वन अपॉन में एन लिख सकता हूँ मैं। ऐसे ही यहाँ पर एन डी, एन को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, सॉरी डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है इस डी को, तो ये बन जाएगा एन डी अपोन में मैंने ये एन लिख दिया है, डी को वन से करूंगा तो ये आएगा डी अपोन में एन। देखिए मैंने क्या किया है, इन दोनों पर स्क्वेयर रूट था, पहले तो मैंने सेपरेट डिवाइड किया, इसके अपोन में अलग लिखूंगा, इसके अपोन में रूट एन को अलग लिखूंगा, दोनों पर स्क्वेयर रूट था तो कंबाइन स्क्वेयर रूट लगा करके और इसके अंदर भी सेपरेट डिवाइड कर दिया, इसके अपोन में अलग से डी को अंदर मल्टीप्लाई करके एन डी बना, इसके अपोन में अलग से डी को वन से मल्टीप्लाई करके डी बना, इसके अपोन में अलग से, और सेम यहाँ पर भी करूँगा, सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं तो ए वन अपोन में एन इसके अपोन में अलग से लिख दिया है। तो ऐसा करने से सभी के अपोन में जो है एन आ गया आपके पास, और एन आ गया है तो देखिए इस वाले केस में तो एन से एन कैंसिल ही हो गया, बाकी सभी में एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं, मतलब अपनी लिमिट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब तो लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से एल आई एम हट जाएगा क्योंकि लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वेयर रूट ए वन अपोन में इन्फिनिटी प्लस यहाँ से बचेगा केवल डी क्योंकि एन कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डी अपोन में इन्फिनिटी प्लस जहाँ भी एन है वहाँ पर आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, और अपोन में इन्फिनिटी आता है ना तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनल यहाँ से हमें मिला वन अपोन रूट डी, और अंदर देखिए ये वाला आपका जीरो हो गया, स्क्वेयर रूट जीरो प्लस डी, ये डी बचा था ये भी जीरो हो गया, माइनस जीरो और प्लस स्क्वेयर रूट, ये भी क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से ये सब तो जीरो है तो रूट डी आपको मिलेगा फाइनल आंसर अंदर से, तो स्क्वेयर रूट अब वन अपॉन डी, और यहाँ से आपको फाइनल जो मिलेगा वो रूट डी मिलेगा, रूट डी से रूट डी क्या हो गया, कैंसिल, तो आपको मिलेगा वन। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, वन होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।